हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बिगनर्स के लिए है, यानी जो क्रोशे सीखना शुरू करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए है। और इस वीडियो में मैं क्रोशे का जो सामान चाहिए और कहाँ से आप ले सकते हैं वो बताऊंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि क्रोशे हुक, यार्न या धागा, सीजर्स और नीडल। ये इसे एम्ब्रॉयडरी नीडल भी कहते हैं, जिसका आय थोड़ा सा बड़ा होता है। क्रोशे हुक आप चाहें तो एक 4 mm ले लीजिए, जो इस तरह के धागे के लिए काम आ जाता है, सफिशेंट होता है। और अगर पतला वाइट पतला जो धागा आता है इस तरह का कॉटन, एक ये ले लीजिए और एक इस तरह का ले लीजिए। और इसके लिए हम ये क्रोशे हुक यूज़ करते हैं, थोड़ा पतला वाला 0.55 mm और 0.6 mm, इस तरह से 1 mm इसके लिए यूज़ किया जाएगा। थोड़ा इस तरह के यार्न के लिए हम 3.5 mm या 4 mm आप ले लीजिए। ये दो हुक काफ़ी हैं बिगनर्स के लिए। इनिशियली आप ज़्यादा स्टॉक करने से मतलब नहीं है हुक्स एंड यार्न्स, आप पहले ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन यू कैन गो फॉर मोर हुक्स एंड यार्न। अब बात करते हैं कहाँ से खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोकल स्टोर में ही जाइए, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर में आसानी से मिल जाता है, स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगा, जहाँ टेलरिंग मटेरियल मिलता है वहाँ भी चेक कर लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी। और अमेज़ॉन तो है ही, वहाँ वो भी चेक कर लीजिएगा। अब कुछ फैंसी चीज़ों पर आते हैं, जैसे कि स्टिच मार्कर्स। स्टिच मार्कर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। स्टिच मार्कर्स की बजाय आप सेफ्टी पिंस से भी काम चला सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत कम चीज़ों से आप क्रोशे सीखना शुरू कर सकते हैं। क्रोशे सीखना शुरू करने के लिए क्या क्या सामान आपको चाहिए, इस बारे में ये वीडियो था। आगे मैं और वीडियो लेकर आऊँगी इस चैनल पर। बेसिक ट्यूटोरियल से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्रोशे सीखना बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम चीज़ों से जो मैंने यहाँ बताई आपको। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इस पोस्ट को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।